प्राणविद्या द्वारा हम अपने शरीर को अत्यधिक बलवान बना सकते हैं और वह सब कार्य कर सकते हैं जो केवल महामानव द्वारा ही संभव है। झज्जर गुरुकुल के आचार्य स्वामी ओमानंद सरस्वती जी अपनी पुस्तक ब्रह्मचर्य के साधन भाग 6 के पेज नंबर 28 पर लिखते हैं, प्राणायाम से एक दुर्बल एवं निर्वीर्य मनुष्य भी सशक्त एवं तेजस्वी बन सकता है। इतिहास में इसके अनेक प्रमाण उपस्थित है। रावण की सभा में अंगद के द्वारा भूमि पर पैर जमाकर सब राक्षसों को लज्जित करने में यह प्राणायाम ही कारण था। महर्षि दयानंद जी ने भी प्राणायाम के ही अभ्यास से अतुल शारीरिक बल का संग्रह किया था। 4 रहस्य मैं पहले ही बता चुका हूँ और 3 रहस्य इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप इनमें से किसी भी रहस्य को हल्के में लेते हैं तो फिर बाद में मुझे मत कहना फायदा नहीं हुआ। तुम्हें स्क्रीन पर यजुर्वेद का एक मंत्र दिख रहा होगा। हम बात कर रहे हैं प्राण की, इसलिए मैं इसका मोटा मोटा अर्थ समझा देता हूँ। सात्विक भोजन से प्राण का बल बढ़ता है और प्राण का बल बढ़ने से हमारी आयु बढ़ती है। ऋग्वेद में भी लिखा है प्राण ही आयु है। यहाँ पर पहले मंत्र में सात्विक भोजन के बारे में लिखा है, लेकिन सच तो यह भी है, भोजन का ताकत से कोई खास संबंध नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि ताकत ही नहीं बढ़ती, ताकत बढ़ती है लेकिन छोटे स्तर पर, क्योंकि हमारे शरीर को 10% ऊर्जा भोजन और पानी से मिलती है और 90% ऑक्सीजन से, और यही वो कारण है जो भोजन से ताकत बढ़ाने वाले व्यक्ति और ऑक्सीजन और प्राणा से ताकत बढ़ाने वाले व्यक्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। अब भोजन और पानी से बड़े स्तर पर ताकत नहीं बढ़ती तो इसका मतलब यह नहीं कि हम इसे अनदेखा करें, यह एक बहुत ही बड़ी भूल है। भोजन बड़े स्तर पर ताकत बढ़ाए या ना बढ़ाए लेकिन घटा जरूर सकता है। यह आपकी प्राणा शक्ति को बड़े स्तर पर घटा सकता है और बढ़ने से रोक भी सकता है। इसलिए सात्विक भोजन चबा चबा कर खाए और शुद्ध जल पिए। सात्विक भोजन से प्राणा शक्ति बढ़ती है। हाँ यह वायु के बराबर नहीं है लेकिन है जरूर। खाने की बात चल रही है तो घी के बारे में भी बताई देता हूँ। आपको स्क्रीन पर ऋग्वेद का एक मंत्र दिख रहा होगा, उस मंत्र में मन और घी दोनों के बारे में बताया गया है। इस मंत्र में ऐसा कहा गया है कि मन की ऐसी पक्की धारणा करनी चाहिए कि मैं अवश्य ही दीर्घायु प्राप्त करूंगा। इस मंत्र में ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि मन की शक्ति द्वारा वह सब किया जा सकता है जो दूसरों को असंभव लगता हो, वरना दीर्घायु प्राप्त करने के और भी तरीके हैं, लेकिन अगर इन तरीकों के साथ मन की शक्ति जोड़ दी जाए तो संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तभी तो इस मंत्र में मन की शक्ति का प्रयोग करने के बारे में कहा गया है। इस मंत्र में यह भी कहा गया है घी से शरीर बढ़ाओ। अगर इसका विस्तृत अर्थ निकाले तो जो व्यक्ति शरीर को घी द्वारा अधिक पुष्ट करना चाहता है तो वह प्राणायाम करे, क्योंकि घी से सीमन बढ़ता है, सीमन से प्राणा और प्राणा से सीमन, और यह प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। इस मंत्र में केवल घी के बारे में बताया गया है लेकिन मैंने इसके फायदों को बढ़ाने के लिए प्राणायाम जोड़ा, क्योंकि घी से सीमन बढ़ता है और प्राणायाम से प्राणा, और इन दोनों का संबंध है। इस तरह से मंत्र का विस्तृत वर्णन किया जा सकता है। यह हो गया पहला रहस्य। अब बात करते हैं दूसरे और तीसरे रहस्य की। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम शुद्ध भोजन करें और शुद्ध जल पिए, लेकिन हमने यह कब प्रयास किया कि हम शुद्ध वायु ले, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी यही है। यजुर्वेद का मंत्र है वात प्राणेन अपानेन नासिके। बाह्य शुद्ध और प्रसन्न वायु के साथ प्राण हमारे शरीर में जाता है और नासिका ही उसका प्रवेश द्वार है। बाह्य वायु की प्रसन्नता और नासिका की शुद्धि अवश्य करनी चाहिए। नाक की मलिनता और अपवित्रता के कारण प्राण की गति में रुकावट होती है। बाहर की वायु को शुद्ध करने के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसके साथ ही नाक को साफ रखे, जल नेति करे, नाक में देसी घी और बादाम का तेल डाले, और बाकी के 4 रहस्य जानने के लिए यह वीडियो देखे। हर हर महादेव।